चैनल नव भारतीय परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 6 भगवान की डाकिये। इस कविता के जो कवि हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं, जो कि राष्ट्रीय कवि के रूप में हिंदी साहित्य में अपनी अमित छवि बनाए हुए हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में हुआ था और रामधारी सिंह दिनकर जी है स्वतंत्रता के बाद में, यानी स्वतंत्रता आंदोलन जब हुआ था उसके बाद में वो एक राष्ट्रीय कवि के रूप में उभर कर आए। उन्होंने अपनी रचनाओं से देश की जनता को प्रोत्साहित किया, ओजस्वी कविताओं से जनता में संचार भरा, उनमें क्षमता होने की वो जागरूक हो सके और विरोध कर सके उनकी शासन का। तो जो रामधारी सिंह दिनकर है, आपने इनकी कविता पढ़ी होगी, जो पिछला सिलेबस था उसमें इनकी जो कविता थी राम की शक्ति पूजा वो सम्मिलित की गई थी, लेकिन अब आपकी पुस्तक है उसमें भगवान के राम की सम्मिलित की गई है। राम की शक्ति पूजा के अलावा परशुराम की प्रतिज्ञा है, इसके अलावा कुरुक्षेत्र है और भी बहुत सारी रचनाएं जो उन्होंने लिखी। उर्वशी है जो इनका महाकाव्य माना जाता है, उर्वशी के बारे में भी बहुत कुछ उन्होंने मतलब बहुत अच्छे रचनाएं लिखी थी। संस्कृति के 4 अध्याय भी इन्होंने लिखे हैं, यानी बहुत सारी रचनाएं और उन रचनाओं में बहुत सारे सम्मान भी मिले। तो बच्चों देखते हैं हम इस कविता को भगवान की डाकिये। बच्चों इस कविता के अंदर जो पक्षी है, पक्षी और बादल, इन दोनों को भगवान की डाकिये बताया गया है, यानी जो बंदिशें जो सीमाएं इंसान में होती है मनुष्य में होती है वो सीमाएं पक्षी और बादलों में नहीं होती है। वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी उड़के जा सकते हैं, किसी भी स्थान पर बैठ सकते हैं, कहीं का भी दाना खा सकते हैं, उनपे किसी भी प्रकार की कोई सीमाएं लागू नहीं होती है। किसी भी देश में जा सकते हैं, किसी भी सीमा को पार करो, कहीं भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर इनको भगवान की डाकिये इसलिए कहा है क्योंकि इनपे किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है और प्रकृति की जो चीजें हैं वो इनकी भाषा को समझते हैं। हम मनुष्य इनकी भाषाओं को नहीं समझते, लेकिन प्रकृति के जो अचेतन तत्व हैं वो इनकी भाषाओं को भली भांति समझते हैं। चलो पढ़ते हैं। पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिये है। पक्षी यानी जो चिड़ियाएं है, कबूतर है या जितने भी पक्षी है उड़ने वाले वो, और बादल ये क्या है, भगवान के डाकिये हैं। बच्चों डाकिये कौन होते हैं, जो हमारे पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं वो डाकिये कहलाते हैं, इसको पोस्टमैन इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये क्या है, ये डाकिये हैं जो भगवान के संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, यानी जो बड़े बड़े देशों से दूसरे बड़े बड़े देशों की ओर जाते हैं, जैसे कि आपका भरतपुर का जो कान्हा पक्षी विहार है, उस कान्हा पक्षी विहार में जो विदेश है, विदेशों से बहुत सारे पक्षी आते हैं और वहां पर कुछ महीने रुक करके वापस चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाइट चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं, कि हम तो उनकी भाषा नहीं समझ पाते हैं जो पक्षी बोलते हैं या जो बादल बोलते हैं, हम उनकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं उनकी लाई हुई चिट्ठियों को। जो पक्षी चिट्ठियां लेके आते हैं, जो संदेश लेके आते हैं, बादल जो संदेश लेकर के आते हैं, उनको हम मनुष्य नहीं समझ सकते, लेकिन पेड़ पौधे पानी और पहाड़ जो है उनके संदेश को पढ़ लेते हैं, उनके संदेशों को बांच देते हैं, अर्थात उनकी भाषा को जो प्रकृति के तत्व है पेड़ पौधे पानी और पहाड़ वो समझ जाते हैं। बच्चों आपने कहावत भी सुनी होगी, खग ही जाने खग ही की भाषा, यानी पक्षी की बोली को समझ सकता है। चिड़िया आपस में क्या बात कर रही है, चीची करके, मोर आपस में किचू करके क्या बात कर रही है आप नहीं समझ सकते, लेकिन वो अपनी प्रजाति की आवाज अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो बादल है और जो पक्षी है यही प्रकृति के तत्व माने जाते हैं और इन प्रकृति के तत्वों की जो आवाज है, इनकी प्रकृति के जो तत्व है इनकी भाषा को वही प्रकृति के तत्व समझते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कि हम तो केवल ये जानते हैं कि ये जो बादल है, ये जो पक्षी है, इनके माध्यम से एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है। कैसे भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर टिकता है, कि वो जो धूल के कण है यानी वो जो सुगंध आ रही है बच्चों, वो सुगंध उन पक्षियों के पंखों में बस जाती है या उनके पंखों पर जो धूल जम जाती है, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो धूल को अपने साथ दूसरे स्थान पर लेकर के आते हैं और इस प्रकार एक देश की मिट्टी, एक देश की सुगंध जो है दूसरे देश की मिट्टी में, दूसरे देश की सुगंध में आके मिल जाती है। तो ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो सुगंध आती है और एक देश का भाग दूसरे देश में
में पानी बनकर गिरता है और बादल जो है ये तो इनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है ना कि वो आपके सांभर झील से ही पानी लेंगे या आपका जो राजकमल झील है वहीं से वो पानी लेंगे। बादलों पर भी किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है, वो पूरी धरती पर जहाँ जहाँ पानी है वहां से कहीं से भी पानी ले सकते हैं और उस पानी को अपने संग्रहण अपने अंदर स्टोर करके संग्रहण करके किसी भी देश में किसी भी स्थान में जाकर उसको बरसा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आया है कि और देश एक देश का भाग दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, यानी मान लो भारत का पानी यानी भारत में बादलों ने पानी को अवशोषित किया, वाष्प बनकर उन बादलों ने पानी को पिया और वो अगर अमेरिका में जाकर उस पानी को बरसा देते हैं तो एक देश की जो भाप है एक देश का जो भाप पानी बनकर उन बादलों में संचय हुआ है वो दूसरे देश में जाकर के गिर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि जो पक्षी और जो बादल है वो भगवान के डाकिये होते हैं जो भगवान के संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होती है। क्या आप बादलों को बांध सकते हो? नहीं बांध सकते। क्या आप पक्षियों को बांध सकते हो? आप पक्षियों को अपने मनोरंजन के लिए पिंजरों में कैद कर सकते हो लेकिन कितने पक्षियों को कैद करोगे आप? हजारों करोड़ों की संख्या में पक्षियां हमारे धरती के ऊपर आप कितने को कैद करोगे? तो उन पक्षियों के माध्यम से और उन बादलों के माध्यम से जो भगवान है वो अपने संदेशों को इस धरती पर प्रसारित करते हैं। तो ये थी हमारी आज की कविता। इस कविता के बाद में हम कुछ व्याकरण बोध देखेंगे जिसमें हम शब्द परिचय देखेंगे। चलो देखते हैं। शब्द बच्चों, शब्द क्या होता है? सबसे छोटा भाषाई तत्व जिसे शब्दार्थ या व्यवहारिक सामग्री से अलग नहीं किया जा सकता अर्थात जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो शब्द कहलाते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों की सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी आप वर्णों को जोड़ रहे हो, वर्ण कौन से? स्वर और व्यंजन। इन दोनों को जब आप जोड़ते हो इनके मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। लेकिन शब्द वही होते हैं जिनका सार्थक जो सार्थक होते हैं अर्थात जिनका कोई अर्थ होता है। निरर्थक शब्दों के लिए हमारे हिंदी साहित्य में हिंदी जो ग्रामर है उसमें कोई स्थान नहीं है। एक या एक से अधिक वर्ण या वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई की शब्द कहलाती है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न व अनेक वर्णों से निर्मित शब्द से कुत्ता शेर कमल नैन प्रासाद आदि जो शब्द है ये तो बहुत सारे वर्णों से मिलकर बने हैं और ये जो है केवल न यानी इसका क्या अर्थ आ रहा है? नहीं। व का क्या अर्थ होता है? और ये संयोजक होता है। तो इन शब्दों से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? मतलब इन वर्णों के मेल से बनने वाले जो योग होता है उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्द जो होते हैं बच्चों बहुत प्रकार के होते हैं। भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। एक से ज्यादा शब्द मिलकर पद बनते हैं और पद मिलकर वाक्य बनते हैं। जब शब्दों को शब्द आपस में मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। और जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो क्या कहलाता क्या हो जाता है बच्चों? पूरा का पूरा वाक्य बन जाता है, एक समूह बन जाता है। तो बच्चों भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा जाता है और एक से ज्यादा शब्द मिलकर पद बनाते हैं और ये जब पद मिलते हैं आपस में तो क्या बनता है? वाक्य बनता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शब्द के भेद यानी शब्द के प्रकार। शब्द कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? शब्द बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। व्युत्पत्ति यानी कि बनावट। बनावट के आधार पर जो शब्द है वो बहुत प्रकार के होते हैं और मोस्टली तीन, जैसे रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। बच्चों जो रूढ़ शब्द होते हैं वह शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके टुकड़े नहीं कर सकते वह रूढ़ शब्द होते हैं। मतलब वे शब्द जिनके आप टुकड़े नहीं कर सकते हो अगर आप उनको तोड़ दोगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकला। जैसे मैंने लिखा हरी धन भी, तो आप ह को अलग कर दो री को अलग कर दो तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब तक आप इनको साथ में जोड़ के नहीं बनाओगे तो तब तक ये निरर्थक है। तो जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते और जो विशेष अर्थ के लिए प्रचलित होते हैं उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी जैसे लुगड़ी ये विशेष अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। तो ये शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द। इनको देश शब्द जो होते हैं ना बच्चों वो सारे रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। फिर है यौगिक शब्द। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे रसोई घर
दशा रसोई घर और जैसे पीताम्बर, ये क्या होते हैं, ये यौगिक शब्द होते हैं। बच्चों पीताम्बर जो है वो दो प्रकार का होता है, एक पीताम्बर तो भगवान विष्णु के लिए काम में लिया जाता है जो कि योगरूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर आप पीले रंग का वस्त्र कहोगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा, यौगिक शब्द के अंदर, ठीक है। तो जहां पर दो सार्थक शब्दों के मेल से कोई शब्द बनता है वो यौगिक शब्द होते हैं। योगरूढ़ शब्द वे शब्द जो यौगिक तो है किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे कि आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों शब्द अपना अर्थ छोड़ के किसी तीसरे अर्थ की ओर इंगित करते हैं तो वहां पर कौन सा होता है, वहां पर योगरूढ़ शब्द होता है। जैसे मैंने कहा लंबोदर, आप लंबोदर जैसे आपने सुना आपके दिमाग में कौन आए, भगवान गणेश। मैंने कहा पंचानन, तो पंचानन बोलते ही आपके दिमाग में क्या आया, शिव जी। मैंने कहा कि दशानन, तो दशानन सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया, रावण। तो ऐसे शब्द जो अपना स्वयं का अर्थ छोड़ करके किसी तीसरे विशिष्ट अर्थ की ओर इंगित करते हैं वो कौन से होते हैं, योगरूढ़ शब्द। बच्चों यौगिक शब्द के अंदर आप विद्यालय ले लो, हिमालय ले लो, ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक यौगिक शब्दों से बनते हैं वो यौगिक शब्द है। नेक्स्ट है वो तो क्या थे बच्चों, व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थात बनावट के आधार पर। अब है उत्पत्ति के आधार पर कि उनकी उत्पत्ति कहां से हुई शब्दों की, तो इनकी उत्पत्ति के आधार पर इन्हें चार भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशक और विदेशक, और एक और है जो कि मान्य नहीं है जिसे संकर कहा जाता है, जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनता है वो संकर शब्द कहलाते हैं। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मैंने कहा दिवस, मैंने कहा कदली, कदली केले को कहते हैं, तो आप शुद्ध रूप कदली का प्रयोग नहीं करते, आप केले का ही प्रयोग करते हैं। आपने कहा सूर्य, तो सूर्य नहीं, आप सूरज उसको काम में लेते हैं, ठीक है। दिन, दिन का जो तत्सम होता है वो दिवस होता है, तो आप दिवस शब्द काम में नहीं लेते, दिन शब्द काम में लेते हैं। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में काम में लिए जाते हैं वो तत्सम हो गए, और संस्कृत के वे शब्द जिन्हें थोड़ा फेर बदल करके यानी सुविधा अनुसार उनमें परिवर्तन करके जब हिंदी में काम में लिया जाता है तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको वहां बताया दिवस आप उसको दिन बोल रहे हो, वो जब सूर्य था आप उसको सूरज बोल रहे हो, वो जब कदली थी उसको आप केला बोल रहे हो, वहां जो मयूर होता है उसको आप मोर बोलते हो। तो आपने अपनी सुविधा अनुसार उसको सरल करके हिंदी में प्रयोग में लिया तो वो तद्भव शब्द हो गए, ठीक है। देशक शब्द क्षेत्रीय बोली के कारण प्रभाव में आए वे शब्द जो हिंदी भाषा में काम में लिए जाते हैं वो देशक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था लुगड़ी, मैंने आपको बताया था पायजामा, या फिर आप देखो जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेड़, खटखटाना आदि ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय बोली के कारण प्रभाव में आते हैं, और क्षेत्रीय बोली के कारण इतने प्रचलित हो जाते हैं कि उनको वैसा का वैसा हिंदी में काम में लिया जाने लगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे कुर्ता, आप देखेंगे पेटी, तो इन शब्दों को अगर आप इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करते हो, अगर आप इंग्लिश में भी लिखते हो तो उनको आपको कुर्ता ही लिखोगे, उनका कोई इंग्लिश टर्म नहीं होगा, उनका कोई और भाषा में टर्म नहीं होगा, उसको आप वैसा के वैसा ही आपको लिखना पड़ेगा, अंग्रेजी में भी उसका ट्रांसलेट नहीं होगा यहाँ तक। ये देखो विदेशक शब्द विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषाओं के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयोग होने लगे। जैसे आप पेन को पेन बोलते हो, कलम बोलते हो क्या, नहीं बोलते, क्योंकि उसका हिंदी रूपांतरण कलम है, और आप उसको पेन बोलते हो तो वो क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आपकी जो पाठ्य पुस्तिका होती है उसको आप क्या बोलते हो, बुक बोलते हो, जबकि उसको क्या बोलते हैं, पुस्तक बोलते हैं, किताब बोलते हैं। फिर आपकी जो कॉपी होती है उसको क्या बोलते हैं, उत्तर पुस्तिका बोलते हैं, आप उसको कॉपी बोलते हो। तो ये सब चीजें जो विदेशी भाषा से आए हुए शब्द हैं उनको हम हिंदी में प्रयोग में लाते हैं। जैसे यार कॉलेज है, कॉलेज को महाविद्यालय बोला जाता है लेकिन अब उसको कॉलेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से आए हुए हैं और हमने उनको हिंदी में प्रयोग किया है तो वो क्या हो गए, विदेशी शब्द हो गए। तीसरा भाग आता है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। पहला हमने पढ़ा व्युत्पत्ति के आधार पर, फिर पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर, अब है हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो शब्द है वो दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वो होते हैं जहाँ पर लिंग वचनकार के अनुसार उनमें परिवर्तन हो जाता है तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। विकार यानी कि उसमें परिवर्तन होना, ठीक है।
अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हर परिस्थिति में वैसे ही प्रयोग में लिए जाते हैं, वो अविकारी शब्द होते हैं। इन अविकारी शब्दों को अव्ययभी कहा जाता है। तो विकारी शब्द में संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। अब बच्चों संज्ञा के अनुसार आप क्रिया को बदल देते हो। जैसे मैंने कहा राम खाना खा रहा है, मैं कहूँ सीता खाना खा रही है, तो वहां पर खाना खा रहा था और यहाँ पर खाना खा रही थी, तो दोनों में परिवर्तन हो गया ना बच्चों क्रिया में। तो जहां पर परिवर्तन हो जाता है वो विकारी शब्द होते हैं। अब सर्वनाम में आप ले लो मेरा और मेरी, मेरा शब्द पुल्लिंग के लिए और मेरी शब्द स्त्रीलिंग के लिए, तो उसमें भी परिवर्तन हो गया। विशेषण मोटा मोटी, पतला पतली, तो उसमें भी परिवर्तन हो गया। क्रिया खा रहा है और खा रही है, इसमें भी परिवर्तन हो गया। तो जिन शब्दों में लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिनमें नहीं होता है वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे रमा धीरे धीरे गाती है, अब गाती है, गाती है क्रिया है, गाती से जस्ट पहले आगे क्या लगा? धीरे धीरे। अब ये क्या था? स्त्रीलिंग के लिए था। अब मैं कहूँ राम धीरे धीरे गाता है, क्रिया दोनों सेम कर रहे हैं लेकिन किस कंडीशन में कर रहे हैं, कैसी परिस्थिति है वहां पर, तो क्रिया का विशेषण जो है धीरे धीरे वो स्त्रीलिंग में भी वही है और पुल्लिंग में भी वही है। तो लिंग वचन काल के आधार पर यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द या अविशब्द कहा जाता है। संबंध बोधक संबंध बताने वाले अव्यय, समुच्चय बोधक समुच्चय बताने वाले अव्यय, और विस्मयादि बोधक विस्मय बताने वाले अव्यय। ठीक है, इस उपयुक्त आठ प्रकार के शब्दों को भी विकार की दृष्टि से देखा जाता है, जिन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द मैंने आपको बताया अभी कौन से होते हैं, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं, यानी एक वचन में बहुवचन में भी उनका परिवर्तन हो जाता है, जो मैंने आपको बताया था लिंग वचन काल के आधार पर। और संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण इनकी क्रिया आदि क्या है? विकारी शब्द है। अविकारी शब्द मैंने बताया आपको, जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, किंतु, नित्य, और, हे, अरे आदि। यहाँ क्या है बच्चों? ये क्रिया विशेषण है। किंतु क्या है बच्चों? ये संबंध बोधक है। नित्य क्या है? ये समुच्चय बोधक है। और हे, अरे क्या है? विस्मय आदि बोधक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अर्थ के आधार पर शब्द भेद। चौथे नंबर का भेद है आपका ये। इसमें पर्यायवाची शब्द जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी एक शब्द के बहुत सारे शब्द बताना, यानी समान अर्थ वाले शब्द। फिर है विपरीतार्थक शब्द, यानी कि विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द में जैसे जल का, जल का पानी, पानी नीर, ये सब क्या होते हैं? जल के पर्यायवाची होते हैं। और विपरीतार्थक में जैसे जल का अग्नि, हवा का आग, दिन का रात, ये क्या हो गया? विपरीतार्थक विपरीत अर्थ वाले शब्द हो गए। समरूप भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी जो सुनने में तो सेम होते हैं लेकिन उनके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनेकार्थी शब्द, जैसे पर्यायवाची शब्द में समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, ऐसे अनेकार्थी शब्द में एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, वे शब्द जो एक जैसे प्रतीत तो होते हैं लेकिन एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल उदाहरण दिए गए हैं, पहले कौन सा है? पर्यायवाची शब्द है, वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे सूर्य का, रवि, सूरज, भास्कर, आदित्य, ये सारे अगर आप लिखते हो तो इनका अर्थ सूर्य ही होता है। पर्वत का भूधर, पहाड़, शैल, गिरी, इन सब का अर्थ पर्वत होता है, तो ये क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। विपरीतार्थक शब्द मैंने आपको बताया, विलोम शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अमृत का वेश, सम्मान का अपमान, और प्रश्न का उत्तर। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समरूप भिन्नार्थक शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने या पढ़ने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल अलग अलग होता है। इन शब्दों को समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अनल और अनिल, सुनने में आपको समान लग रहे हैं लेकिन अनल का मतलब अग्नि होता है और अनिल का मतलब हवा होता है। मेल और मैल, एक मेल
मेल होता है एकता, भाईचारा बढ़ाना, और दूसरा होता है मैं, जो कि गंदगी हमारे शरीर पे चमड़ी पे जम जाती है वो मैं। फिर बेल और बैल, बेल तो हम लता को कहते हैं, यानी जो बेलें चलती है ना, जैसे सेम फली की बेल है, मनी प्लांट है, या और भी आप देख लो सब गिलोय की बेल है, तो वो बेल जो सहारा लेकर के किसी पेड़ पे चढ़ती है, बड़ी होती है वो, और बैल जो कि एक पशु होता है यानी ऑक्स। नेक्स्ट है अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कनक, कनक के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे सोना, गेहूं, धतूरा। तप के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे तपस्या, गर्मी और धूप। हार का, गले का हार, और पराजय यानी कि किसी चीज में हार मिलना। माँ ने सोने का एक सुंदर हार खरीदा और मुझे आज खेल में हार मिली। तो दोनों शब्द तो सेम है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। देखो एक अर्थक प्रतीत होने वाले शब्द जिनके एक जैसे तो लगते हैं लेकिन वो होते नहीं है। ऐसे शब्द जो देखने में एक दूसरे के पर्यायवाची लगते हैं लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है, वे एक अर्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे ईर्ष्या, द्वेष। बच्चों सुनने में दोनों शब्द आपको ऐसा लगता है कि दोनों की एक ही बात के लिए प्रयुक्त होता है लेकिन दोनों एक ही बात के प्रयुक्त नहीं होते हैं। ईर्ष्या होती है दूसरों की उन्नति देखकर मन में होने वाली जलन। जब हम किसी दूसरे की उन्नति को देख करके, दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख करके हमारे मन में गलत फीलिंग आती है, हमारे मन में जलन होती है, तो वह कहलाती है ईर्ष्या। और जब किसी से शत्रुता का भाव होता है, कोई हमारा दुश्मन है उससे हम शत्रुता का भाव रखते हैं, वो होता है द्वेष। एक होता है अपराध, एक होता है पाप। जब सरकारी कानून तोड़ा जाता है तो वो अपराध होता है। जब आप सरकार के बनाए हुए नियमों के अनुसार नहीं चलते तो वो अपराध होता है, लेकिन जब आप धर्म के अनुसार बनाए हुए नियमों पर नहीं चलते हो तो वो पाप कहलाता है। तो आपको लगते तो एक जैसे शब्द है कि हाँ इनका अर्थ एक ही होगा लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ तक हमने शब्द परिचय पढ़ा, इससे पहले हमने कविता पढ़ी। आपसे फिर मिलेंगे, इस वीडियो को ढंग से देखिए, अच्छी तरह समझिए, और आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।